रोहित के सबसे खास बल्लेबाज का करियर 23 साल का ये खिलाड़ी कर देगा बर्बाद। मौका मिलते ही बल्लेबाजी से मचाई तबाही। 24 साल के इस खिलाड़ी पर रोहित जताते हैं बड़ा भरोसा। हर एक मुकाबले में देते हैं बड़ा मौका, पर सूर्या अब नहीं देंगे मौका। जिसे रोहित ने आईपीएल की मुंबई इंडियंस की टीम से किया था बाहर, अब वही दुश्मन बनकर उनके सबसे खास को कर रहा टीम इंडिया से बाहर। क्या खतरे में पड़ गई है 24 साल के इस युवा खतरनाक खिलाड़ी की जगह? आखिर अच्छा खेलने के बाद भी क्यों किया गया बाहर? जी, अब से थोड़ी देर बाद टीम इंडिया पांचवें और आखिरी टी20 मुकाबले के लिए बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में उतरने वाली है। चौथा मुकाबला जीतकर टीम इंडिया सीरीज पहले अपने नाम कर चुकी है। टीम इंडिया के सारे युवा खिलाड़ी गजब के फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं और शानदार खेल दिखा रहे हैं। वहीं जिस खिलाड़ी को मौका दिया जा रहा है वो सभी मौके को भुनाते हुए खतरनाक प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसकी वजह से कई बड़े खिलाड़ियों और टीम इंडिया के नियमित सदस्य की जगह तक खतरे में पड़ती जा रही है। चौथे टी20 मुकाबले में सूर्य कुमार यादव ने कुल 3 बड़े बदलाव किए थे। इनमें गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह की जगह दीपक चाहर, प्रसिद्ध कृष्णा की जगह मुकेश कुमार और सबसे बड़ा बदलाव और हैरान कर देने वाला ये फैसला रहा जब ईशान किशन के अच्छा खेलने के बावजूद भी टीम से बाहर किया गया और उनकी जगह पर जितेश शर्मा को मौका मिला। ईशान किशन को बाहर करने का फैसला इंडियन क्रिकेट फैंस पचा नहीं पाए, क्योंकि सूर्य कुमार यादव और कोच दोनों ने उनको बाहर करने का कोई कारण नहीं बताया था। ईशान किशन ने पहले 2 टी20 मुकाबले में शानदार अर्धशतक जड़ा था और ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को जमकर पीटा था। ऐसे में ईशान किशन को बाहर करना समझ से बाहर था। अब आपको बताते हैं कि कैसे 30 साल का एक खिलाड़ी 24 साल के ईशान किशन के करियर को बर्बाद करने जा रहा है और ईशान की जगह खतरे में पड़ गई है। ईशान किशन रोहित शर्मा की काफी खास है, मुंबई इंडियंस टीम का वो हिस्सा है। एक तरीके से कहा जाए तो आने वाले समय में बतौर ओपनर ईशान किशन रोहित का सबसे बड़ा विकल्प माने जा रहे हैं। हम सब जानते हैं कि ईशान किशन के अंदर बल्लेबाजी का जबरदस्त टैलेंट है और खूंखार खिलाड़ी है। तेज खेलते हैं, चौके छक्के की बरसात करते हैं। जब से उन्हें टीम इंडिया में डेब्यू करने का मौका मिला है तब से उन्होंने अब तक सभी मौके को भुनाया है, लेकिन अब उनकी कुर्सी खतरे में पड़ गई है। ईशान वैसे भी बड़े मुकाबले में बेंच पर ही बैठे रहते हैं और केएल राहुल को बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज पहले मौका मिलता है। राहुल के ना रहने पर ईशान किशन का खेलना फिक्स रहता है, लेकिन ईशान किशन की जगह पर चौथे मुकाबले में उतरे जितेश शर्मा ने मौका मिलते अपने बल्ले से ऐसा प्रहार किया है कि फैंस के साथ साथ सिलेक्टर्स के भी होश उड़ गए हैं। 3 छक्के और 1 चौके की मदद से 19 गेंद में 35 रन ठोक पूरा सिस्टम हिला डाला। जितेश की बल्लेबाजी को देखकर जरा सा भी नहीं लगा कि वो अंतरराष्ट्रीय मुकाबला खेल रहे हैं या उनके ऊपर कोई दबाव है। जिस तरीके से ईशान किशन बड़े बड़े छक्के चौके लगाते हैं, बिल्कुल उन्हीं की तरह जितेश शर्मा ने भी कमाल कर दिखाया। ऐसे में अब ईशान किशन की जगह खतरे में पड़ती जा रही है। हो सकता है कि 5वें मुकाबले में भी ईशान किशन बाहर ही बैठे, क्योंकि जितेश को बाहर करना कप्तान और कोच दोनों के लिए काफी कठिन फैसला होगा, क्योंकि चौथे टी20 में उन्होंने खुद को साबित किया है। सूर्य कुमार यादव भी मुंबई इंडियंस का हिस्सा है और ईशान किशन के साथ ही खेलते हैं। एक तरीके से कहा जाए कि रोहित ने जो जितेश के साथ किया था आज वही जितेश उनके सबसे खास खिलाड़ी के साथ कर रहे हैं और सालों पुरानी दुश्मनी का बदला लेने के लिए तैयार है। हालांकि जितेश की ईशान के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मुंबई इंडियंस और रोहित ने उनके साथ जो किया था अब उसकी भरपाई ईशान किशन करने जा रहे हैं। लेकिन साल 2022 में पंजाब किंग्स ने उन्हें 20 साल के बेस्ट प्राइस पर खरीद कर अपनी टीम में जगह दी। पंजाब उन्हें लगातार मौके दे रही है और बतौर विकेटकीपर वो हर एक मुकाबला खेल रहे हैं। फिलहाल देखने वाली बात तो ये होगी कि क्या जितेश शर्मा आज के मुकाबले में भी अच्छा खेल दिखा पाते हैं। अगर आज भी उनका बल्ला चला तो साउथ अफ्रीका दौरे पर ईशान किशन की जगह खतरे में पड़ सकती है।